जनपद बिजनौर की थाना अफसलगढ़ पुलिस ने हत्या की घटना का अनावरण करते हुए तीन अभियुक्तों को हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और पत्थर सहित गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीते दिनों अफसलगढ़ के गांव कटार मल निवासी एक बुजुर्ग की हत्या कर शव को रामगंगा नदी के किनारे फेंक दिया गया था। बुजुर्ग की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या के मामले में जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि अफसलगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को भिक्कावाला तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि मृतक तथा अभियुक्त गण एक ही गांव के निवासी थे और अभियुक्त नरेंद्र सिंह का मृतक भजन लाल की पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन मृतक भजन लाल इसका विरोध करता था, जिसके चलते अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक भारद्वाज की रिपोर्ट। थाना अफजलगढ़ के कटारमल निवासी भजन लाल, इनकी हत्या की गई थी 24 तारीख को। डेड बॉडी मिली थी रामगंगा नदी के किनारे। पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, जिसमें हेड इंजरी थी और उसी से गला घोटने के बाद इनकी मृत्यु कारित की गई थी। ये ज्ञात हुआ कि इनकी बेटी का प्रेम प्रसंग इनके सजाती जो पास के रहने वाला था नरेंद्र से था। पिता नहीं चाहता था वहाँ पर हो, क्योंकि वह लुटेरा था, पहले भी इस पर आपराधिक मामले थे। इसलिए साजिश के तहत नरेंद्र ने अपने दो साथियों के साथ मिल करके रात में रामगंगा नदी के पास में गला घोट करके पत्थर से वार करके मृत्यु किया। सर्विलांस टीम, अफजलगढ़ टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया, इसका अनावरण किया। पुलिस टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है।